सम सीड्स स्प्राउट इन थ्री और फोर डेज कुछ स्प्राउट्स ऐसे होते हैं जिनको तीन और चार दिन लग जाते हैं अदर में टेक अ वीक और मोर और कई ऐसे होते हैं जिनको एक वीक से भी ज़्यादा लग सकता है एज सुन एज द सीड्स है बिगन टू स्प्राउट जैसे ही जो सीड्स होते हैं वो स्प्राउट करना मतलब कि उसमें बर्ड्स निकलने शुरू होते हैं द न्यू सीडलिंग मस्ट बी टेकन ग्रेट केयर ऑफ तो जो जो नई वाली सीडलिंग्स होती हैं उसकी हमें क्या है बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है एक प्लांट की लाइफ में इफ़ इट इज़ नॉट वाटर्ड प्रॉपरली अगर इसको हम अच्छे से वाटरिंग नहीं करेंगे द टाइनी प्लांट प्लांटलेट विल डाई जो छोटे वाला प्लांट है वो क्या है मर जाएगा बहुत जल्दी सम टाइम वी नीड टू रिमूव अ ग्रोइंग प्लांट टू अनदर प्लेस कई बार क्या होता है कि हमें ग्रोइंग प्लांट को रिमूव करना पड़ता है इट इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग तो इसको क्या बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग इट हैज़ टू बी डन क्विकली उसको बहुत जल्दी करना पड़ता है द रूट मस्ट बी केप्ट मॉइस्ट एंड सराउंडेड बाय द अर्थ जो उसकी रूट होती है जो उसकी जड़ होती है वो मॉइस्चर उसमें मॉइस्चर होना चाहिए वो मॉइस्ट होनी चाहिए और उसके क्या है साइडों में मिट्टी पूरी तरह से लगी हुई होनी चाहिए ठीक है वो पूरी सॉइल उस सॉइल से कवर होनी चाहिए मैनी सीडलिंग्स आर नॉट ईजी बहुत सारी जो सीडलिंग्स होती हैं वो ईजी नहीं होती हैं टू ट्रांसप्लांट मतलब कि जो न्यू सीडलिंग सीडलिंग होती है जो बिल्कुल छोटा प्लांट होता है जब हम सीड्स डाल करके वो थोड़ा हल्का सा ग्रो कर जाता है जो स्मॉल सा प्लांट बन जाता है वो होता है सीडलिंग तो उसको ट्रांसप्लांट करना एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना ईजी नहीं होता है सच सीड शुड बी सॉन इन द स्पोर्ट वेयर दे आर ग्रो तो ऐसे सीड्स को ऐसी जगह पे ही ग्रो करना चाहिए ऐसी जगह पे ही सपोर्ट करना चाहिए जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ इफ द सीडलिंग्स कम अप टू लू टू क्लोज टुगेदर अगर सीडलिंग्स जो दो प्लांट्स होंगे छोटे चोट छोटे वो अगर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं दे शुड बी थिंड आउट तो वो क्या है थिंड आउट मतलब सम टेक सम टेकन अवे तो वो एक दूसरे से थिंड आउट हो जाएंगे नाउ गार्डन टूल्स द स्पेड द फॉग द रेक एंड द हो आर द बेसिक गार्डन टूल्स ये सब क्या है स्पेड फोक रेक हो आर क्या है ये सब बेसिक गार्डन टूल्स हैं दे आर वरियस टाइप ऑफ देर आर वरियरियस टाइप ऑफ स्पेड्स अलग अलग तरह के स्पेड्स आते हैं सी दिस इज द स्पेड दिस वन इज फॉक एंड दिस इज द रेक सी ओके हो दिस इज कॉल हो इसके अलावा और भी बहुत सारे सी बेसिक गार्डन टूल्स हैं लाइक शेयर्स ल बैरोन मोर रेट्स ओके ओके सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेड स्पेड्स भी कई तरह के होते हैं देर आर ओल दे आर ऑल यूज फॉर डिगिंग इन सबका यूज क्या होता है डिगिंग खोदने के लिए किया जाता है दे शुड हैव क्लीन शार्प एज इज सो देट वी कैन कट दॉइल इजिली तो ये कैसा होना चाहिए इसके जो शार्प्स इसके जो एजिज़ हैं ये जो साइड्स होते हैं ये क्या है शार्प होनी चाहिए तीखी होनी चाहिए ताकि हम जो सॉयल है उसको ईजिली कट कर सकें डिगिंग हमारी अच्छे से हो पाए फॉक्स विद फोर टाइम्स फॉक्स जो होती हैं जिसमें वो चार टाइम्स होती हैं ये देखिए ये फॉक्स विद फोर टाइम्स आर ऑल्सो यूज फॉर डिगिंग इनका यूज़ भी डिगिंग के लिए किया जाता है सम फॉक्स हैव लार्जर नंबर ऑफ़ टाइम्स कई तो ऐसी होती हैं फॉक्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम्स होती हैं दे आर यूज फॉर हैंडलिंग मेनोर उनका यूज मेन्योर होता है खाद उनका यूज़ किस लिए किया जाता है खाद के लिए और यूज़ किया जाता है एंड सिमिलर मटीरियल और उससे रिलेटेड कोई और मटीरियल होता है उनके लिए इनको यूज़ किया जाता है द रेक इज़ यूज फॉर स्मूदनिंग रेक का यूज़ स्मूदनिंग के लिए किया जाता है द सोइल आफ्टर इट हैज़ बीन डग डग इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर गैदरिंग लीव्स एंड ग्रास दैट हैज़ बीन कट oğru रेक का यूज स्मूदिंग के लिए किया जाता है जब सॉयल को डक किया जाता है मतलब कि उसको खोद लिया जाता है उसके बाद में इसका यूज़ लीव्स और ग्रास को इकट्ठे करने उसको कट करने के लिए भी किया जाता है द हो इज़ यूज टू लूज लूजन सॉइल एंड अप्रूट्स वीड्स और जो हो होती है वो क्या है सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज की यूज़ की जाती है और वीड्स को अपरूट करने के लिए देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हो जो होती है वो कई टाइप्स की आती हैं द मोस्ट कॉमन इज़ द डच हो सबसे कॉमन हो कौन सी है डच हो इट हैज़ टू बी पुश्ड इसको पुश करना पड़ता है एंड एंड इट हैज़ इट्स ब्लेड्स स्टिकिंग आउट फॉरवर्ड्स और उसके जो ब्लेड स्टिकिंग्स होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं सम होज़ हैव टू बी पुल्ड एज हैव देयर ब्लेड स्टिकिंग इन बैकवर्ड्स कई होज आते हैं जिस uh, हेज होज ऐसे होते हैं जिनको हमें पीछे की तरफ खींचना पड़ता है क्योंकि इनके जो ब्लेड्स होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं इफ़ यू यू हैव अग लॉन अगर आपका लॉन बहुत बिग है लॉन मीन्स ग्राउंड कवर्ड विद फाइन ग्रास मतलब कि हमारे ग्राउंड में बहुत अच्छे से ग्रास लगी हुई है तो अ लॉन मोर विल बी नेसेसरी तो लॉन मोर ये होता है देखिए ठीक है तो ये हमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी चाहिए हमें अपने गार्डन के लिए बट फॉर द फॉर अ स्मॉल पैच ऑफ ग्रास अगर छोटा सा कोई ग्रास का पैच है यू कैन यूज शेयर्स तो उसके लिए हम शेयर का यूज़ कर सकते हैं दिस वन ओके दे आर लाइक एन अनॉर्मस पेयर्स ऑफ सीज़र वो एक सीजर जैसे सीज़र होती है ना सीज़र स्मॉल होती है और ये क्या है एक सीजर जैसे बहुत बड़े वाली हो गई तो ये दिखने में ऐसे एक सीज़र की तरह ही होते हैं बट इफ़ अनॉर्मस मतलब ह्यूज बहुत बड़ी उसकी तरह दिखते हैं दे आर शेयर्स फॉर देर आर शेयर्स फॉर कटिंग हैज ऑल्सो तो उसके अंदर क्या होते हैं शेयर्स दे आर शेयर्स फॉर कटिंग हैजेज़ हैजेज़ को कट करने के लिए उसके अंदर शेयर्स होते हैं दे हैव थिकर ब्लेड्स एंड स्ट्रोंगर हैंडल्स उसके अंदर बहुत Thicker, मतलब कि मोटे मोटे तीखे ब्लेड्स होते हैं और उसके जो हैंडल हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं सी इसके ब्लेड्स बहुत शार्प होते हैं ओके मेटल टूल्स शुड बी क्लीन मेटल टूल्स को अच्छे से क्लीन करना चाहिए ऑयल्ड एंड हंग अप आफ्टर दे हैव बींग यूज और इनको अच्छे से ऑइलिंग वगैरह करके टांग देना चाहिए जब आप इसको यूज़ कर लें कटिंग टूल्स मस्ट हैव देअर कटिंग एजेस शार्पण फॉर टाइम टू टाइम और जो कटिंग टूल्स जितने भी हैं उनको टाइम टू टाइम यूज़ करने के बाद में उसके कटिंग एजिज जो होते हैं उनको टाइम टू टाइम हमें शार्प करना चाहिए दे शुड बी ग्रीस्ड बिफोर दे आर स्टोर्ड उनको स्टोर मतलब उनको रखने से पहले ग्रीस अच्छे से कर देना चाहिए वाटरिंग कैन एंड अ व्हील बैरो एक वाटरिंग कैन और व्हील बैरो जो होता है उनको वो भी गार्डनिंग के लिए बहुत यूजफुल इक्विपमेंट है यू कैन हैव अ पेयर ऑफ रबर बूट्स आप एक रबर बूट्स का पेयर भी ले सकते हैं टू वर्क ऑन मडी ग्राउंड मडी ग्राउंड के ऊपर वर्क करने के लिए अ पेयर ऑफ गार्डनिंग ग्लव्स कैन भी यूजफुल टू प्रोटेक्ट द हैंड्स एंड टू कीप दम क्लीन और गार्डनिंग ग्लव्स जो होते हैं आप वो वाला पेयर भी ले सकते हैं किसके लिए वो यूज़फुल है आपके हैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने हाथों को बिल्कुल साफ़ रखने के लिए इट हैज़ बिन सेड दैट वन इज़ नियरर गोड्स हर्ट इन अ गार्डन देन एनी वेर एल्स इन द वर्ल्ड कहते हैं कि ये एक कहा ये एक बहुत अच्छी कहनी है कि अगर आप भगवान के नज़दीक भगवान के दिल में रहना चाहते हैं तो आप गार्डनिंग कीजिए अगर आप गार्डनिंग करते हैं अगर आप क्योंकि जो हमारा सराउंडिंग के अंदर इन एटमॉस्फेयर है मतलब गार्डनिंग है ठीक है ग्रीनरी जो है ये सब क्या है इट इज़ वेरी नियर टू गॉड ये भगवान के बहुत नज़दीक है गार्डनिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है अगर आप गार्डनिंग करते हैं मतलब आप भगवान के बहुत नियर हैं रादर देन एनी थिंग एल्स इन द वर्ल्ड एंड इफ़ द गार्डन इज़ वन ऑफ योर ओन अगर और अगर गार्डन आपका अपना है इट इज़ नो लेस देन पैराडाइज तो ये एक स्वर्ग से कम नहीं है इट् सेल्फ ग्रो अ गार्डन ऑफ योर ओन अपना खुद का गार्डन ग्रो करना एंड यू विल नो वट अ स्टोर ऑफ पीस एंड प्लेजर लाइज देर तो आपको पता चलेगा कि आपके पास एक शांति और खुशी का कैसा स्टोर है आपने कैसा एक शांति और खुशी का खजाना अपने पास रखा हुआ है ओके सो द चैप्टर वॉज क्वाइट लेंथी बट इट वॉज इंटरेस्टिंग ओके नाउ डू द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर ओके कंप्लीट इट थैंक यू